तो देखे गाइस ये कैसे चिढ़ रहा है। इधर राधा रानी के पुत्र गाइस देखिए अब स्टार्टिंग की झांकी है राधा रानी एंड कान्हा जी की। तो ये देखिए ये छोटी सी राधा रानी हेलो, चलो आगे। ये कान्हा जी हेलो, मुस्कुराओ बेटा, हैप्पी रहो। ये देखिए एक और छोटे कान्हा जी। फ्रंट से लेना पड़ेगा उधर से। Yeah.
हाँ हाँ वहाँ से आ रही है, इधर से जा रही। गोवर्धन झांकी में नींद आ गई थी, नींद आ गई थी। काओ नंदी काओ काओ है ये तो और ना पर पर बोल रहा हां डांडिया खेल रहे हैं। थोड़ा सा बाय बोलो तो गाइस देखिए हमारे कान्हा जी, मैंने आज आपको दिखाया नहीं है सुबह से, अब दिखा रही हूँ। एंड ये देखिए सुबह इसके भैया बने थे, अब ये बना है छोटे वाला कान्हा जी। हाँ जी इधर हेलो बोल दो। तो देखिए गाइस ये कहाँ बैठे हैं, ये छोटे से कान्हा जी कहाँ बैठे हो कान्हा जी, इधर इधर हेलो। देखिए कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। समृद्ध समृद्ध इधर देखो देखो इधर देखो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे देखो ये कौन आया, देखने ही कौन है ये, पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। ये देखिए अब ये इस पे बैठ गया, हेलो बोलो इधर इधर देख के हेलो। अपने में विजय भी हेलो इधर इधर देखिए कानों में पहन रहा है और अपने आप ही निकाल देता है।
गाइस देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे अब। आज मैं सुबह भी मैंने वेलकम नहीं करा चैनल का, तो मेरा ना बस सिर में दर्द हो रहा है उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए अभी मैंने विक्स वगैरह लगा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब मेरे को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, वो मीटिंग भी होने को हो रही है, मैं सोच रही थोड़ी देर और रुक जाऊँ। तो जी बस काम तो सब हो चुका है, जैसे कि आपने देख ही लिया हमारा एक क्वेश्चन वगैरह था, ये मेरी मेहंदी देख के जो मैंने लगाई थी, इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ खाना बन चुका है, इसलिए मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। हमारे क्या है ना, ये शादी से पहले मैं मेरे घर पे ना, मैं हमारे यहाँ पे मतलब अगले नेक्स्ट डे फास्ट खुलता है, तो अष्टमी पूज कर, तो मेरे को उसी चीज़ की आदत लगी हुई है, मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे खोलने की फास्ट, तो यहाँ पर खुल जाता है उस दिन ही, जन्माष्टमी वाले दिन ही। मैंने एक बार रखा भी था यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे सेकंड जन्माष्टमी है जो यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं, सेकेंड नहीं थर्ड जन्माष्टमी, हाँ थर्ड जन्माष्टमी जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और बीच में मैंने एक अपने घर पे गई थी अपने छोटे लड़के के टाइम पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, तो क्या हुआ था भाई, जैसे कहते हैं ना सब ससुराल के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया था कि रात को ही फास्ट खोला था, तो फिर मेरा मन सा मतलब खुश नहीं हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ एक मन को तसल्ली मिलती है, वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने मम्मी मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों ये रात में फास्ट खोलना जैसे, तो बस फिर मैंने मम्मी को बताया, तो फिर मम्मी ने बोला कि फिर जैसे तुम्हारे यहाँ रखते हैं वैसे रख लिया कर, जब तेरा मन नहीं खुश होता तो फिर इसलिए मैं जब से ही अगले दिन खोलती हूँ यहाँ पर भी फास्ट, उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन रात को अपना फास्ट का कुछ भी बना लेती हूँ। तो जी बस यही था, ऐसा है ना जब हम कुछ करते तो मन सा नहीं बांधता, जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, तो फिर भाई जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे जो मदर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉ, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, ये नहीं कि नहीं तो वो तेरा घर था तो तू अब इस घर के डूबो, नहीं मैंने उनको बताया कि मेरा मन खुश नहीं था, तो बस जब से फिर मैं ऐसे ही रखती हूँ। और ये देख लो ना आप मेरे यहाँ पे, मैंने ये विक्स लगाई हुई है और यहाँ पर भी नोज पे भी, मैंने सिर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, तो बस अब चलते हैं अंदर। एंड मैं अपने ब्लॉग का ना आरती के साथ में ही एंड कर दूँगी, थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगी, बस मैं पर्सनली अब कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बाकी बस आपको जो दिखाना है वो दिखा दूँगी, वो भी हिम्मत रही तो, छोटा लड़का मेरा सो चुका है, तो जी बस चलिए, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, बहुत कम आवाज़ आ रही है।